नमस्कार, वडोदरा न्यूज नेटवर्क में आपनु स्वागत छे। अने भगवान राम जेमनो जन्म अयोध्या में थयो हतो अने पुरातत्व विभागना अवशेषोना आधारे सर्वोच्च अदालते पण आ निर्णय पर मोहर लगावी दीधी छे के भगवान रामनो जन्म अयोध्या में थयो हतो अने त्या एक विशाळ मंदिर बनवा जई रह्यु छे। त्यारे हाल नेपालना प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीए एक विवादित निवेदन आप्युं छे अने आ निवेदन बाद भारत में खूब ज नाराजगी जोवा मळी रही छे। जम्मू कश्मीर थी लईने कन्याकुमारी सुधी आ वातनो विरोध थई रह्यो छे। केपी शर्मा जे ओली छे, जे नेपालना वडाप्रधान छे, तेमनुं कहेवुं छे के अयोध्या उत्तर प्रदेश में नहीं परंतु नेपाल में छे अने भारते सांस्कृतिक अतिक्रमण कर्युं छे। सांस्कृतिक अतिक्रमणनो जे शब्दनो तेमने प्रयोग कर्यो छे अने भगवान राम जे तमाम जे हिंदुओ छे तेमनुं एक आस्थानुं प्रतीक छे तेमने विरुद्ध तेमने आ निवेदन आप्युं छे के भारते खोटी जग्या पर अयोध्या बतायुं छे, अयोध्या तो नेपाल में छे। आ जे निवेदन छे ते प्रधानमंत्रीए नेपाल में एक कार्यक्रम में आप्यो हतो। केपी शर्मा ओली आना पहला पण भारत सामे कईक ना कईक विवादास्पद निवेदन आपवा माटे जाणीता छे। हाल में ज नेपालनो जे एक नक्शो प्रदर्शित कर्यो हतो तेमा भारतना विस्तारोनो समावेश थतो हतो, त्यारे पण तेमनी टीका नेपालमां पण थई हती अने तेमने तो राजीनामुं आपवानी दबाण पण नेपालमां जोवा मळ्यो हतो। तेमने चाइनीस जे चाइना सरकार छे तेमना द्वारा तेमने समर्थन आपवामां आवे छे तेवा पण तेमनी पर आक्षेप थई रह्या छे। त्यारे आजे केपी शर्मा ओलीए एवा मुद्दाने छेड़ी दीधो छे जे मुद्दो 130 करोड भारतीयो साथे जोड़ायेलो छे। भगवान रामनो मुद्दो, भगवान रामनो जन्म सरयू किनारे अयोध्यामां थयो हतो तेवा अवशेष मळी आव्या छे अने ते अवशेषना आधारे भारतनी सर्वोच्च अदालते आ निर्णय पण संभळाव्यो छे। खूब ज विवादास्पद अने चर्चास्पद आ मुद्दो हतो, घणा लांबा समयथी आ विवाद चाली रह्यो हतो, परंतु ए विवादनो हवे अंत ज्यारे भारतमां आवी गयो छे के भगवान रामनो जन्म अयोध्यामां थयो हतो अने त्यां ज तेमनुं मंदिर पण बनवा जई रह्युं छे। त्यारे नेपालना प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीए आ एक नवो ज विवाद छेड़ी दीधो छे अने तेना कारणे समग्र देशमां रोष पण जोवा मळी रह्यो छे। केपी शर्मा ओली जे तेमने निवेदन आप्युं छे, पहला आ निवेदन सांभळो अने त्यारबाद आ जे निवेदन छे तेना विशे आपणे चर्चा करीशुं। अहिले पनि खाइरहेका छौँ। हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ, भारतका होइन अयोध्याका अयोध्यालाई। हामीले अयोध्या भनेको वीरगन्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ, अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ, हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर बिहार अयोध्या वीरगन्जको पश्चिमपट्टि टोलीमा वाल्मीकि आश्रम बिहार र दशरथबाट सन्तान नभएपछि उत्कृष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका पण्डित श्रृङ्गार पछि गएर उनले डाँडामा बस्ने गरे र त्यहाँ अहिले पनि सिङ्गा भन्ने उत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी, त्यस कारण सन्तान पनि भारतीयका हुँदै होइन, ठाउँ पनि भारतीय वाल्मीकि आश्रम त्यहीँ छ पढाउने गुरुको समय समयमा आएर शिक्षा विद्या ज्ञान दिए वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ छ र जनकपुर त्यहाँ छ। यहाँको जनकपुर उहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजिया छ, कहिले के गरे, त्यस बेलाको जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल कताबाट थाहा हो।
આપે જોયું કે કેપી શર્મા ઓલીએ જે નિવેદન આપ્યું છે તે નેપાલી ભાષામાં છે, પરંતુ તેને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો તેમનું કેવું છે કે જે જનકપુરી છે જ્યાં સીતાનો જન્મ થયો હતો, જ્યાં ભગવાન રામ તેને પરણવા આવ્યા હતા, તે એટલી દૂર છે? તે સમયે ટેલિફોન કે એવું કંઈ હતું નહીં, તો એટલી દૂર વિવાહ કરવા કેવી રીતે આવ્યા? તેમણે એવી પણ વાત કરી કે અયોધ્યા નામનું ગામ નેપાલમાં આવેલું છે અને જે ત્યાં આગળ ભગવાન રામનો જન્મ થયો હતો. ભારતે ખોટી રીતે અયોધ્યાનું નામ જોડી દીધું છે અને આ એક સાંસ્કૃતિક આક્રમણ છે. ત્યારે ભારતના જે સાધુ સમાજ પણ આ મામલે ખૂબ જ નારાજગી વ્યક્ત કરી છે અને સાધુ સમાજનું કહેવું છે કે સરયુ કિનારે જે અયોધ્યા આવેલી છે ત્યાં જ ભગવાન રામનો જન્મ થયો છે અને આ જ અસલી અયોધ્યા છે અને તેના પુરાવા, વર્ષો જૂના પુરાવા પણ મળી આવ્યા છે.